दोस्तों, आज हम लीवर के एनलार्जमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। लीवर शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और एक नॉर्मल वयस्क में यह शरीर के भाग का 36वां पार्ट होता है। मतलब ये शरीर का जो टोटल वेट है उसका 36 होता है, 36वां भाग होता है। बच्चों में, नियोनेट्स में यह है शरीर का 24वें से 18वां भाग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नियोनेट्स हैं, नव शिशु हैं, उनमें लीवर का साइज़ बॉडी की तुलना में बड़ा होता है, अतः उसको एनलार्जमेंट न समझा जाना जाए। नॉर्मल कोर्स में जो लीवर है वो एब्डोमेन के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को मैक्सिमम कवर करता है और उसका जो लेफ्ट लोब है वो हिपीगैस्ट्रियम में भी चला जाता है, एपिगैस्ट्रियम तक भी जो है वो रहता है। नॉर्मली जो लीवर का एनलार्जमेंट होता है वो नीचे की ओर होता है, ऊपर की ओर सामान्यतया नहीं होता। मतलब कि डायफ्राम से ऊपर की ओर नहीं होता, एक्सेप्ट दो तीन कंडीशंस, जैसे कि हाइडेटेड सिस्ट है, जैसे कि अमीबिक लीवर एब्सिस है, जैसे कि डायफ्राम के नीचे एब्सिस फॉर्मेशन हो रही है, इस कंडीशन में थोड़ा सा वो रेज्ड हो जाता है ऊपर की ओर। अदरवाइज़ सभी कंडीशंस में जो लीवर है वो नीचे की ओर ही एनलार्ज होता है या वृद्धि करता है। यह है कि यदि चेस्ट में किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी है, जैसे रिकेट्स है या अन्य कोई बोनी डिफॉर्मिटी है, बोनी केज की, रिब्स केज की डिफॉर्मिटी है, तो उसमें भी कई बार लीवर जो है वो नीचे की ओर डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो वो एनलार्ज नहीं होता है। तो एनलार्जमेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों में अंतर समझना चाहिए। कि जब भी हम लीवर को चेक करते हैं तो हमें नीचे से जब हम एब्डोमेन को पैल्पेट या परकस करते हुए आएंगे तो हमको सबसे पहले नीचे की ओर रेजोनेंस महसूस होगी परकस करने पे, और जैसे ही हम लीवर वाले पार्ट पे आते हैं तो हमको डलनेस लगती है क्योंकि एक सॉलिड ऑर्गन है। लेकिन परफोरेशन के केस में जब परफोरेशन से एयर निकलती है तो वो उस लीवर डलनेस को मास्क कर देती है और हमें पूरे एब्डोमेन में जो है वो रेजोनेंस टोन मिलती है। तो इसको मास्किंग ऑफ लीवर डलनेस कहते हैं, जो कि परफोरेशन का एक चिन्ह होता है। तो आइए अब लीवर एनलार्जमेंट के जो कारण हैं उनके ऊपर वन बाय वन हम चर्चा करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है इन्फेक्शंस, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस जिनमें लीवर बढ़ जाता है। सबसे जो कॉमनेस्ट है वो है इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस, जिसको हम हिपेटाइटिस कहते हैं। इस हिपेटाइटिस के बहुत सारे वेरियंट्स होते हैं, जैसे हिपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई आदि। जो सी है वो ब्लड के द्वारा जो है फैलती है, बी ब्लड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलती है, और ए और जो ई हैं वो खाने के द्वारा, यानी कि प्रदूषित भोजन और प्रदूषित जल के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये सभी प्रकार की हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस कहलाती हैं। इनमें लीवर का बढ़ना एक बहुत ही सामान्य सी बात होती है, और इसमें लीवर के बढ़ने के साथ साथ अधिकांश समय जॉन्डिस या पीलिया भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो अन्य वायरल इन्फेक्शन्स है, जैसे डेंगू फीवर है या कुछ और वायरल इन्फेक्शन्स है, उनमें भी ये देखने को मिलता है। वायरल इन्फेक्शन्स के बाद कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात आती है, तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जैसे टाइफॉइड फीवर है, लीवर एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। निमोनिया में भी कई बार लीवर एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस में अमीबियसिस है, साथ ही साथ जो है वो मलेरिया और काला आजार भी इसमें शामिल है, जिसमें कि ये लीवर एनलार्जमेंट हो जाया करता है। और साथ ही साथ कुछ स्पायरोकीटल इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसमें ये बढ़ता है, और फंगल इन्फेक्शन जैसे एक्टिनोमाइकोसिस। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो लीवर का एनलार्जमेंट वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, स्पायरोकीटल और फंगल इन्फेक्शन सभी में देखने को मिलता है। जो दूसरा कारण है वो है टॉक्सिक, क्योंकि लगभग जो भी बॉडी में चीज़ें जाती हैं वो सब लीवर से ही मेटाबोलाइज होती हैं। इसी कारण से कोई भी ऐसा केमिकल या ऐसा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी में जाता है वो लीवर के द्वारा ही मेटाबोलाइज होता है। इसलिए बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम टॉक्सिक हेपेटाइटिस कहते हैं, जो टॉक्सिन्स के द्वारा उत्पन्न होती हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस में डिफरेंट टाइप की ड्रग्स भी हो जाती हैं, जो बहुत सारी ड्रग हैं जो हेपेटोटॉक्सिक हैं। कुछ एक्यूट टॉक्सिसिटी करती हैं, तुरंत लेने से करती हैं, और कुछ लंबे समय तक सेवन करने से करती हैं। तो बहुत सारी इसमें
वैरायटी है केमिकल्स की, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो किसी भी प्रकार का जो टॉक्सिन है जो लीवर में टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है उसके कारण से भी लीवर का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। अब तीसरी कंडीशन होती है जिसको हम कंजेस्टिव हेपेटोमिगेली कहते हैं। देखिए, जो इन्फीरियर वीना केवा या पोर्टल सर्कुलेशन है वो लीवर में जाता है और वहाँ से इन्फीरियर वीना केवा हार्ट में जाती है। तो यदि किसी कारण से हार्ट का एनलार्जमेंट हो गया है या हार्ट में CHF कंजेस्टेड हार्ट फेलियर होता है तो वो बैक प्रेशर देता है IVC इन्फीरियर वीना केवा पे, और वो बैक प्रेशर जो है लीवर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इस कारण से लीवर का एनलार्जमेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई लीवर एनलार्जमेंट इन हार्ट डिजीज़ या कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, तो उसका कारण यही है कि वहाँ पे बैक प्रेशर चेंजेस होने की वजह से ये लीवर एनलार्जमेंट हो जाता है। तो लीवर एनलार्जमेंट कंजेस्टेड हार्ट फेलियर या हार्ट के एनलार्जमेंट का भी एक लक्षण होता है। और साथ ही साथ पूरे कंजेस्टेड हार्ट फेलियर को लेकर के इसके कुछ भाग जैसे कि जो ट्राइकस्पिड वाल है उसका स्टेनोसिस होने की वजह से तब भी बैक प्रेशर बन जाएगा, या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस जो पेरिकार्डियम है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन होने से भी जो है वेन में प्रेशर बढ़ने से ये एनलार्जमेंट हो जाता है। अब इसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो लोकल लीवर में होती हैं, जैसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होते एज में जब वो इन्फ्लामेशन सेटल होता है तो ये साइज में बढ़ता है और सिरोसिस में बाद में घटता है। तो सिरोसिस ऑफ लीवर का लक्षण अगर हम देखें तो पहली कंडीशन में लीवर में एनलार्जमेंट होता है, उसके बाद स्वेलिंग होकर के जब हीलिंग फेज आती है तो उसमें फाइब्रोसिस उत्पन्न होती है और वो श्रिंक करता है और उसमें नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ कई बार जो हिपेटिक वेन है उसमें थ्रोम्बोसिस होने की वजह से भी लीवर का एनलार्जमेंट हो जाता है, जो कि एक एक्यूट कंडीशन है। जो फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर है जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं, फैटी लीवर भी एक बहुत समस्या है। आजकल मैंने फैटी लीवर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। तो दो तरीके की हेपेटाइटिस होती है, एक तो स्टियटिक और एक नॉन स्टियटिक, नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। तो जो अल्कोहलिक्स होते हैं उसमें भी फैटी लीवर डिजनरेशन होता है, यानी कि लीवर में फैट का डिपोजिशन होता है। और कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो पेशेंट अल्कोहलिक्स नहीं होते, उनको हम नॉन अल्कोहलिक स्टियटिक हेपेटिक डिजीज़ या फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में लीवर का एनलार्जमेंट हो जाता है, ये भी बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशंस आ सकती है सिस्ट और ट्यूमर। कुछ ऐसे ट्यूमर और सिस्ट होते हैं जो लीवर में स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं। लीवर में जो यदि बॉडी में कैंसर है तो वो प्राइमरी भी हो सकता है, प्राइमरी का मतलब कि वो लीवर में ही ओरिजिनेट हुआ हो, और सेकेंडरी भी हो सकता है कि जो शरीर में अन्य जगह हो और वहाँ से लीवर में मेटास्टेसिस कर गया हो, क्योंकि लीवर जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ से सारी चीज़ें पास होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म का एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, तो इसलिए वो इन्वॉल्व होता ही है। तो प्राइमरी जैसे हीपेटोमा है तो प्राइमरी ट्यूमर्स भी लीवर में हो सकते हैं, उनकी वजह से भी लीवर एनलार्जमेंट होता है, और कुछ सेकेंडरी भी वहाँ पे आने से, यानी कि शरीर में कई जगह पर जो कैंसर है उसका जो मेटास्टेसिस होता है उसकी वजह से भी ये लीवर में आकर के एनलार्जमेंट कर देता है। इसके अलावा कुछ सॉलिटरी सिस्ट बन जाती है लीवर में, तो हाइड्रेटेड सिस्ट भी एक डिजीज़ है जिसमें लीवर एनलार्जमेंट हो जाया करता है। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि लीवर से जो बाइल निकलता है वो एक राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट से और फिर कॉमन बाइल डक्ट में चला जाता है, तो इन जो बाइल डक्ट हैं इनमें स्ट्रिक्चर या सिकुड़न होने की वजह से भी लीवर बढ़ जाता है पीछे प्रेशर बढ़ने से, या यहाँ पर कोई स्टोन इम्पैक्ट हो जाए उसकी वजह से भी लीवर एनलार्जमेंट हो जाया करता है। तो कुछ स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं जो बहुत कॉमन नहीं होते, ऐसा रेयर ही होते हैं, जिनको हम गाउचर्स डिजीज़ कहते हैं, जैसे हीमोक्रोमेटोसिस है, ये जो चीज़ें हैं, या एमाइलॉइडोसिस है, तो ये इनकी वजह से भी, बट ये बहुत कॉमन डिजीज़ लीवर के बढ़ने के कारण नहीं होते। हॉजकिंस डिजीज़ और ल्यूकेमिया में भी लीवर एनलार्जमेंट होता है, और जो पेशेंट थैलेसीमिया के होते हैं उनमें स्प्लीन और लीवर एनलार्जमेंट होते हुए देखे जाते हैं। साथ ही साथ कंजेनाइटल एक कंडीशन होती है जिसको हम रिडल्स लोब कहते हैं, उसमें भी लीवर का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। अब हमको इसको पता कैसे लगाएं? देखिए, जहाँ तक हेपेटाइटिस की बात है, हेपेटाइटिस जब भी किसी पर्सन को होती है तो अधिकांश केसेस में उसको फीवर होता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में पेन होता है, दबाने से वहाँ पे टेंडरनेस की फीलिंग होती है, ऐसे लोगों को जॉन्डिस देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, और काफ़ी लेसिट्यूड या थकावट अनुभव होती है।
तो ऐसी कंडीशन में ब्लड में जांच की जानी चाहिए और जो हेपेटाइटिस के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी, इनकी जांच की जानी चाहिए। तो हेपेटाइटिस को रूल आउट करना चाहिए। टॉक्सिक हेपेटाइटिस में जो लीवर एंजाइम्स हैं वो बड़े होंगे। जो स्पेसिफिक लीवर एंजाइम होता है जिसको, जो लीवर इंजरी को, वो GGTP होता है, साथ ही साथ ALT और AST, जिनको पहले SGOT और SGPT भी कहते थे, ये भी बड़े होते हैं। सीरम एल्केलाइन फॉस्फेटेज बड़ा होता है, तो लीवर एंजाइम्स का बड़ा होना कहीं ना कहीं लीवर इंजरी को डिनोट करता है। पोर्टल सिरोसिस या सिरोसिस हो रही है तो उसके कुछ लक्षण हैं जो हम पहले एक बार चर्चा कर चुके हैं, मेरे एक वीडियो में मैंने उनकी चर्चा की है SITs के नाम से। तो यदि किसी को सिरोसिस है तो उसमें क्या होगा कि लीवर जो है वो नोडुलर हो जाता है, स्प्लीन बढ़ जाता है, एसाइटिस होती है यानी कि पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूड इकट्ठा हो जाता है, साथ ही साथ पाइल्स जनरेट हो जाते हैं, नाभि के चारों तरफ वेंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो सिरोसिस के देखने को मिलते हैं। अब बात आती है अमीबिक लीवर एब्सिस। अमीबिक लीवर एब्सिस होने से जो पेशेंट है उसको राइट साइड में पेन होता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है जो शिवरिंग के साथ या राइगर्स के साथ आता है। और अमीबिक लीवर एब्सिस का एक बहुत ही स्पेसिफिक चिन्ह होता है कि इसमें जो TLC है वो 20 से 30 हज़ार के आसपास देखने को मिलती है। और अल्ट्रासाउंड से जो लिक्विफेक्शन का एरिया है जहाँ पे अमीबिक लीवर एब्सिस डेवलप हो रही है उसको डिनोट किया जा सकता है। मलेरिया भी जो फीवर होता है उसमें भी बहुत राइगर्स और हाई ग्रेड फीवर होता है, वोमिटिंग होती है, लीवर कुछ केसेस में पैल्पेबल होता है, लेकिन इसमें स्प्लिन भी एनलार्जमेंट हो जाता है। ब्लड टेस्ट से इसके डिफरेंट वेरिएंट्स का पता लगाया जा सकता है कि कौन सा इसका वेरिएंट है। जहाँ तक कैंसर की बात है तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी कैंसर की मैंने बात की है, अल्ट्रासोनल एग्जामिनेशन से जो डिफरेंट उसमें नोड्यूल्स हैं या सेकेंडरीज हैं लीवर में, उनका आराम से पता लगाया जा सकता है। कंडीशन में जब भी हम देखें कि लीवर एनलार्ज हो रहा है तो प्रॉपर पूरे एब्डोमेन की अल्ट्रासोनोलॉजिकल एग्जामिनेशंस और लीवर का स्पेसिफिक एंजाइम्स और बिलीरुबिन, इनका टेस्ट किया जाना, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट का किया जाना अति आवश्यक है। और साथ ही साथ हमको ये भी देखना होगा कि कहीं उसको हार्ट एनलार्जमेंट तो नहीं है, तो साथ साथ में चेस्ट एक्सरे भी परफॉर्म किया जाना चाहिए ताकि हार्ट एनलार्जमेंट की वजह से तो ये समस्या नहीं हो रही है। और फैटी लीवर डिजीज़ आजकल बहुत कॉमन है, ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होती है। ग्रेड 1 तो बहुत सारे लोगों को होती है, हमारी डाइट से एसोसिएटेड होती है, जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, डायबिटिक्स हैं ऐसे और या अल्कोहलिक हैं, उनमें फैटी लीवर बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ भी होती हैं, उसका अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस में ट्रायड देखने को मिलता है, तीन चीज़ जिसमें सिरोसिस ऑफ लीवर, डायबिटीज़ मेलाइटिस और स्किन का पिगमेंटेशन होता है। बेसिकली होती है जिस विल्सन्स डिजीज़ में सिरोसिस ऑफ लीवर देखने को मिलती है, डिजनरेशन ऑफ बेजल गैंग्लिया है और यहाँ पे एक रिंग देखने को मिलता है आइज़ में, मार्जिन पे होता है, जिसको हम KF रिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये लीवर एनलार्जमेंट के बारे में कुछ बातें बताई। लीवर एनलार्जमेंट की जब भी समस्या हो तो उसका प्रॉपर डायग्नोस किया जाना चाहिए कि उसका कारण क्या है। ये जो लीवर एनलार्जमेंट है ये क्या एक्यूट यानी कि सडन हुआ है, जिसमें बहुत सारी डिजीज़ जैसे मैंने हेपेटाइटिस बताई हैं, वायरल और ये सब मिला करके, क्रोनिक है तो क्या कोई टॉक्सिसिटी है उसको, अल्कोहलिक है क्या पेशेंट, इस प्रकार से उसका डिटेल इवेल्युएशन करके ही आगे का फर्दर ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।